मैं इसके लिए हाजर शाहिद साहब को और नदीम साहब को और सभी जो इसके आज के इस मौके को जिन्होंने आज यहाँ हम सब लोगों को दावत दी, हम सब लोगों को यहाँ नवाजा, हम उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हम अपने बुजुर्गों को याद करते रहें और आने वाले दिनों में, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं उससे आप सभी वाकिफ हैं, इसलिए जो मोहम्मद अली जौहर साहब ने जो कुर्बानियाँ दी और भी जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, यकीनन उनका एक ख्वाब रहा होगा, उनका एक सपना रहा होगा, आज भी वो अधूरा है। मुकम्मल आज़ादी की बात उन्होंने की थी, मुकम्मल आज़ादी तभी होगी जब हमें गरीबी से आज़ादी हो जाए, बेरोज़गारी से आज़ादी हो जाए, जो नाइत्तफाकी है उससे आज़ादी हो जाए। एक आज के जो माहौल बन रहे हैं मुल्क के अंदर वो बहुत ही नाजुक है कि इस तरह की जो एक नाइत्तफाकी या डर या खौफ जो पनप रहा है हमारे मुल्क में, आज़ाद हिंदुस्तान में, वो बहुत उसको समझने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि इस तरह के लोगों को बुलाकर जो जिन्होंने अपने खिदमात अंजाम दिए हैं उनको नवाजना ये एक अच्छा कदम है। और मैं अपनी तरफ से फिर एक बार ख्वाजा शाहिद साहब को और नदीम साहब को और उनके तमाम साथियों को जो एक इस सिलसिला को उन्होंने बना रखा है, ये बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अपने बुजुर्गों के नाम से मंसूब करके हम उनको खराज अकीदत भी पेश करते हैं और इस तरह लोगों को भी, ख़ास तौर पर जो नई नस्ल है जिसने ना उनको देखा है ना ठीक